राज्यपाल महोदय को, महामहिम को या स्थानीय सांसद को इतना इतनी श्रद्धा नहीं हुई कि अपने से उठ करके उनको साल दे सके, ऐसे फेंक दिया गया। कांग्रेस से नफरत हो सकती है, लेकिन देश के जो मुजाहिद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तराधिकारी थे, उनसे क्यों नफरत? इसलिए कांग्रेस ही है। वो सम्मान नहीं, वो भीख कहा जाता है। स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा हुआ है, उनके बाद उसका उद्घाटन भी था राधा मोहन सिंह ने। उस वक्त मैंने पूछा, इस जिले में मेरे पिताजी को बिहार में सर्वाधिक सजा हुई थी 56 वर्ष की, और उन्हें 10,000 अर्थदंड भी था, तो वो अर्थदंड नहीं देने के एवज में उन्हें 66 साल की सजा हुई, जो बिहार में सर्वाधिक सजा है। मैंने कहा इसी जिला कचहरी से उनको इतनी सजा हुई और उनका स्टेशन पर नाम तक अंकित नहीं है। अच्छा, हरी गुप्ता का नाम मतलब ऐसे सब जानते हैं ना, चूंकि हम नगर परिषद में थे तो, लेकिन इसके लिए भी हमको बहुत दौड़ना पड़ा एक तरह से। नमस्कार, मैं इंतजार हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। साथियों, सरकार एक तरफ आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मना रही है और कई तरह के कार्यक्रमें आयोजित कर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रही है। देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुजाहिदों, स्वतंत्रता सेनानियों को याद तो कर रही है, लेकिन उनके वंशज, उनके परिजन किस हालत में हैं, कैसे हैं, शायद इस पर ध्यान सरकार की नहीं है। पूरे देश में करीब 3 लाख उत्तराधिकारी हैं, उनकी भी कई तरह की समस्याएं हैं। सरकार दावे तो बहुत की, कई घोषणाएं की, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ के साथियों से। अध्यक्ष भी हमारे पास मौजूद हैं और कई साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या समस्या है अभी आप लोगों को, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अनिता निधि हुआ, मैं स्वतंत्रता सेनानी रामर्षि देव ऋषि जी की पुत्री और पूरे चंपारण जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की अध्यक्ष भी हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों की समस्याएं तो बहुत हैं। आज कल अमृत महोत्सव सरकार मना रही है 75वें वर्ष में, लेकिन सारे की योजनाएं हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाए उत्तराधिकारियों का, लेकिन सम्मान के नाम पे फिर पैसा खर्च कर, पैसे की लूट कर और उत्तराधिकारियों की कोई सुधि लेने वाला नहीं। क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है? समस्या है कि उत्तराधिकारी आज फटे बेहाल स्थिति में है। उन्हें उत्तराधिकारियों को मैंने उत्तराधिकार पेंशन भी देना चाहिए, जो सरकार ने आज तक नहीं दिया। बहुत सारे स्टेट में, कुछ स्टेट में मिला भी हुआ है, लेकिन हमारे बिहार में पेंशन की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन लोगों की भुखमरी की स्थिति हो गई है। उत्तराखंड में मिला हुआ है और एक दो स्टेट और हैं जहाँ उत्तराधिकार, हरियाणा में भी मिला हुआ है। आप एक क्रांतिकारी की बेटी हैं, परिवार से आती हैं, बताया जाता है कि आपके पिताजी ने गोविंदगंज थाना को में आग लगा दी थी, उस समय आज़ादी के इतने बड़े दीवाने थे। अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का हालात बने, किस रूप में ये देख रहे? देखिए, उस वक्त स्वतंत्रता की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे। उस वक्त मेरे पिताजी ने पूरे चंपारण में एक तरह से कहिए अपनी सरकार भी चलाई थी और काफ़ी 40,000 लोग के साथ, अपने साथियों के साथ गोविंदगंज थाने को फूंक डाला था और फूंकने के बाद भारत माता की जयकारे भी लगवाए थे। उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत सारे अंतर हैं। आज हमारी सरकार है, आज़ादी के बाद सरकार बनी, लेकिन सरकार ने कभी किसी उत्तराधिकारियों को, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे उनके उत्तराधिकारियों के सुधि नहीं लिया। कैसे स्थिति में है इसकी जानकारी तक किसी को नहीं है। आज स्थिति ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों की सूची भी उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ, तो क्या सरकार करेगी? आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या समस्या विचार बताइए। हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सरकार से चाहिए भी नहीं। शुरू से पेंशन लोग को मिलते आया। आपको पेंशन मिलता है? नहीं, मुझको नहीं मिलता है, मेरे बाबूजी को मिला, बाबूजी के बाद फिर माँ को मिला, लेकिन पेंशन
मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं मिले मुझे नहीं मतलब है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी खुद अभी हैं लेकिन उस स्थिति में नहीं है जो कि चल के कहीं जा सके, सरकार से लड़ सके, लिखा पढ़ी कर सके, कुछ भी कर सके, है ना। तो कम से कम सरकार को इस बात की तो सुध लेनी चाहिए। ऐसे दिन जो स्वतंत्रता सेनानी की बात आप कर रहे हैं जी, नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी कोई लिस्ट है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, जो कि मैं मतलब उत्तराधिकारी लोग हैं तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी परिवार की पत्नी भी अभी है ना मिल रहा है पेंशन। अब तो उनको अभी मिल रहा है कि नहीं उतना मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकती, इसलिए आपको मालूम है? हाँ, अभी उन लोगों को पेंशन मिल रहा है। हमारे जिले में 63 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नियां हैं जिन्हें पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं मिला, उसमें अनगिनत है। अशोक वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का प्रदेश सचिव। तो नीतीश सरकार ने तो आरक्षण दिया है 2%, और स्वतंत्रता सेनानी के दायरे में, उत्तराधिकारी के दायरे में बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, इसको बिहार सरकार ने मान लिया है, और उन लोगों के लिए पहचान पत्र का आदेश प्रत्येक जिला में सरकार की ओर से निर्गत हुआ। पूर्वी चंपारण में भी हुआ और यहाँ पर लगभग 300 उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जिला पदाधिकारी ने दिया है। अभी कितने बाकी है, कितने लोगों का भी? अभी करीब करीब 250-300 लोगों का आवेदन वहाँ लंबित है जो प्रक्रिया में है। क्योंकि सरकार जो कानून बनाती है ना, पहले तो इस तरह से बनाती है कि अधिक आधा से ज़्यादा लोग भाग जाए, छोड़ दें। सभी दल के लोग अभी हम आपको बोले हैं, इसमें कोई एक दल के लोग नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वे लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो लोग हैं ना, वे लोग सब लोग कांग्रेसी हैं लोग। देखिए, आज भाजपा में भी अगर देखिए हैं लोग, बहुत लोग ओरिजिनल जरा खोजे ना अपने पूर्वजों का, तो सब निकलेगा कांग्रेसी ही निकलेगा। कौन पार्टी थी पहले, कौन दल था तब, तो निकल गया, उससे क्या लेना देना है? आप तो हो सकता है, बिल्कुल हमको तो लग रहा है निश्चित। आपको आप हम कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार के तहत यहाँ से हम लोगों ने पत्र दिया, जिला समाहरणालय को भी दिया गया, आईजी ऑफिस दिया गया, रांची दिया गया, पटना दिया गया, दिल्ली दिया गया, जवाब आया कि रिकॉर्ड कहीं नहीं। और हाँ, हम उत्तराधिकारी हैं, हमारे पिताजी नरसिंह पाठक स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी थे, उनके जेल के सर्टिफिकेट पर धनहा नरेश लिखा हुआ है, धनहा ठकराहा के इंचार्ज थे वो, मुतिहारी से बेतिया अनुमंडल कांग्रेस को गए थे, बेतिया अनुमंडल कांग्रेस से धनहा ठकराहा के लिए भेजे गए थे। और धनहा थाना में वहाँ दारोगा पर, दारोगा जो है कांग्रेसियों का आंदोलनकारियों का दमन करता था, इसलिए वो दारोगा को थाना कैंपस में पटक करके उसका दाढ़ी उखाड़ लिए थे, और वहाँ से वो गिरफ्तार करके लाए गए थे 29 जनवरी 1929 को, और वहाँ से बघा लाए गए, बघा से बेतिया लाए गए, बेतिया में पुष्कर ठाकुर मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि तुम नौजवान पढ़ने वाला लड़का है, कह दो कल से नहीं आएंगे, हम तुमको अपने जमानत पर छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत माता का सपूत झूठ नहीं बोलता है, अब झूठ बोल देंगे फिर कल पकड़े जाएंगे तो आप कहिएगा कि झूठ बोल के चला गया, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहा कि वह इसके अंदर बहुत जुनून है, इसको ले जाओ जेल, भेज दिया, 8 महीने का सजाए कर दिया, सजाए कर दिया। जब सजा हथकड़ी लोगों को लगी थी, हथकड़ी लगे हुए आया लोग ट्रेन में मझौलिया में, फिर खजाना सरकारी खजाना को लूट लिया लोगों ने। अभी लोगों को कहा कि मोतिहारी में सबको नहीं रखा जाएगा, फुलवारी शरीफ कैंप जेल की स्थापना हुई है, फुलवारी शरीफ कैंप जेल भेजा गया उन लोगों। हम लोग ऐसे लोगों के औलाद हैं। आज हमको कष्ट ये है कि जिस उम्मीद को लेकर के उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया, अपने तमन्ना अपने अरमान की आहुति दी उन लोगों ने, आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन कर रहा है? ये सत्ताधारी लोग कर रहे हैं।
जो लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं, सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग और स्वतंत्रता सेनानी पीछे हो गए, सब लोग कोई करने वाले हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेना संग्राम के 57वें वर्ष में, और उसमें महामहिम राज्यपाल जी बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, हमारे सांसद बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी दो आदमी उपलब्ध थे, जिंदा थे उस समय, तो उसमें एक पूर्व विधायक भी थे, बैठे हुए थे। माननीय राज्यपाल महोदय को, महामहिम को या स्थानीय सांसद को इतनी श्रद्धा नहीं हुई कि अपने से उठ कर उनको साल दे सके, ऐसे फेंक दिया गया। यही सम्मान है स्वतंत्रता सेनानियों का, यही आभार व्यक्त कर रहे हैं आप उस जिसने आपको आज़ादी दिलवाया, जिसके बदौलत आप सरकार चला रहे हैं। आज रोज दिन गांधी को गाली देने वाले लोग, स्वतंत्रता सेनानी को गाली देने वाले लोग, उसका अपमान करने वाले लोग आज पूजे जा रहे हैं। यही तो ये है त्रासदी, ये है कि आज यहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी को कौन दमन किया, सरकार ने दमन किया, सरकार ने दमन किया, सरकार के खिलाफ लड़े। आज जो है तो अपनी सरकार हुई, अपनी सरकार को उसका सूची संग्रह करके रखना चाहिए, तो सूची सरकार के पास सूची नहीं है। सरकार ने पेंशन दिया, सरकार ने प्रमाण पत्र दिया, सरकार ने ताम्र पत्र दिया। सरकार कह रही है कि हम तो उत्तराधिकारियों को सम्मान दिए हैं, नौकरी में भी आरक्षण दिए हैं। कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला उस नौकरी, कितने लोगों को मिला होगा? किसी को नहीं मिला। यह प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है, इतनी जटिल कर दी गई है कि बहुत लोग जो है सो हार करके बैठ गया, परिचय पत्र के चक्कर में ही नहीं पड़ा, और परिचय पत्र के चक्कर में भी जो पड़ा है, और वो यहाँ जो है सो अंचल अधिकारी के यहाँ जाता है, अंचल अधिकारी के यहाँ से थाना में जाता है, थाना से अनुमंडल में जाता है, कहाँ जाता है कहाँ जाता है, और कागज वहीं भूल जाता है। अब त्रासदी ये है कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का जिला से गया अंचल में और अनुमंडल में प्रतिवेदन के लिए, जांच के लिए, और उधरे रह गए। बहुत लोग हार के रह गए। बताइए, देखिए सरकार का प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा है कि किसी का बन नहीं पाता है। और ये बड़ी सबसे पहली बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में जो अपने तन मन धन से सहयोग किया, उनने कभी सोचा नहीं था कि हमें कोई सम्मान मिलेगा। लेकिन जब आज़ादी के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन लोगों को ताम्रपत्र के लिए से सम्मानित किया, जो हमारे जिले से दो व्यक्ति गए, उसका एक रक्सौल के कोई मुस्लिम थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, और एक मेरे पिताजी। बाद में जिले में भेजा गया तो सबको वितरित किया गया था ताम्रपत्र। लेकिन जब सम्मान सरकार कर रही है कि सम्मान दे रहे हैं, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और उनका उत्तराधिकारियों को सम्मान उन तक पहुँचना चाहिए, लेकिन आज तक पहुँचा नहीं है। और मेरा ये कहना है, सम्मान तब अमृत महोत्सव मन रहा है, सरकार को चाहिए कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका कम से कम उनकी याद में एक स्मृति में एक उनका स्मारक तो बनाए। ये सरकार से मैं मांग कर रही हूँ, भारत सरकार से और बिहार सरकार से। हाँ, तो बिहार भारत सरकार से और बिहार सरकार से मैं मांग करती हूँ कि कम से कम उन लोगों की स्मृति में, हाँ मैंने भेजा है आज से 3 साल पहले 15 में जो चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी मन रहा था, उस वक्त जिला स्कूल के प्रांगण में सम्मानित किया गया। सम्मान क्या किया गया, मैंने किसी को फेंका गया, वो सम्मान नहीं, वो भीख कहा जाता है। जो लोग लिया वो भीख लिया, उन लोगों से सम्मान नहीं उन लोगों ने किया। तो उस वक्त मैंने स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा हुआ है उनके बाद, उसका उद्घाटन भी था उसने, राधा मोहन सिंह ने किया। उस वक्त मैंने पूछा कि इस जिले में मेरे पिताजी को बिहार में सर्वाधिक सजा हुई थी 56 वर्ष की, और उन्हें 10,000 अर्थदंड भी था, तो वो अर्थदंड नहीं देने के एवज में उन्हें 66 साल की सजा हुई, जो बिहार में सर्वाधिक सजा है। मैंने कहा इसी जिला कचहरी से उनको इतनी सजा हुई और उनका स्टेशन पर नाम तक अंकित नहीं है सूची में, 33 आदमी की सूची लगी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। ये राजनीति का शिकार लोग, राजनीति के शिकार इसलिए हुए कि मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, वो समाज सेवा में लगे रहे। अंतिम क्षण, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया,
अपने ममरखा आश्रम, ममरखाला से आगे ममरखा आश्रम है, उनका आश्रम था, वहाँ समग्र ग्राम सेवा क्षेत्र करके अपनी एक संगठन बनाई थी और उसी के थ्रू समाज सेवा का विनोबा आंदोलन में भी उनने अपने जितने भी आज़ादी के दौरान उन्हें भूमि उपलब्ध हुई थी आश्रम के लिए, सभी ने भूमि उन्होंने दान कर दिया, लेकिन उनका कहीं स्मारक नहीं थे। हम कह रहे हैं शहीद हुए थे कि नहीं उसके पति? लेकिन जैसा जो तो रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट का ना काम है, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड तो सरकार का रिकॉर्ड है ना, सरकार का रिकॉर्ड है ना। हमारे यहाँ शहीद हुए दो आदमी हुए थे, एक एक वो बुधन राउत और एक रामोतार शाह। तो रामोतार शाह को स्टेशन पर घसीट कर लाया गया और रेलवे लाइन उखाड़ने के ओज में उनकी तस्वीर खींची गई थी, और 24 तारीख को उनको भी मारा गया, वो भी शहीद हुए। वहाँ से बेतिया गया, लो बेतिया जाकर 8 लोगों को मारा गया, बेतिया 8 लोग शहीद हुए थे। हम बेतिया में गए हुए हैं, बेतिया में बहुत लोगों के यहाँ गए हैं, शहीद परिवार में गए हैं, नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, नहीं मिला, नाम रह गए। आप बताइए क्या क्या मामला रह गया अभी? देखिए उत्तराधिकारियों का मामला जैसा कि साथियों ने बताया, हम एक बात तो कहेंगे कि अभी जो सरकार है वो मैंने कांग्रेस से बहुत नफरत करती है, बहुत ज्यादा। भाई कांग्रेस से नफरत करती है कि उत्तराधिकारियों से नफरत करती है? बता रहे हैं कांग्रेस से नफरत करती है, नाम से नफरत करती है, तो उत्तराधिकारी से तो करना वाजिब है। इसीलिए कुछ भी नहीं होने वाला है इस सरकार में, हम लोग लाख सर पटक लेंगे है ना, लेकिन आप अब क्या हम बतावे, कहने से तो आप बता रहे थे कोई कागज आपका भी लंबित था, नहीं मिल पाया, क्या था मामला पते? ब्लॉक में किस तरह का कागज था, क्या था? स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी का जो परिचय पत्र था वो वाला अब तक नहीं बना? नहीं अब बन गया, मतलब हाँ जब हम भी दौड़ धूप के। कितना समय लगा था? 10 साल तो नहीं, लेकिन 6 साल। 6 साल लग गए कि एक अंचल से कलेक्ट्रेट तक जाने में सफल हुए 6 साल। जबकि हम अपने राजकुमारी गुप्ता का नाम मतलब ऐसे सब जानते हैं है ना, चूंकि हम नगर परिषद में थे बिल्कुल, तो लेकिन इसके लिए भी हमको बहुत मैंने दौड़ना पड़ा एक तरह से, ठीक है। और रह गया कि हम तो यहाँ के सांसद की बात कर रहे हैं, चाहे विधायक की बात कर रहे हैं, जो भी है मंत्री संत्री जो भी हो, अगर अभी हम लोग जो कांग्रेसी हैं उत्तराधिकारी संगठन अगर कोई प्रोग्राम करते हैं और उन लोग को अगर हम लोग खबर भी भेजेंगे तो वो लोग नहीं आएगा, एकदम 110% हम बोल रहे हैं। चूंकि मैंने ऐसा क्यों, क्या पता नहीं, अब तो ये जो कांग्रेस से क्यों इतनी नफरत है? कांग्रेस से नफरत हो सकती है लेकिन देश के जो मुजाहिद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तराधिकारी थे, उनसे क्यों नफरत? इसलिए कांग्रेसी है, कांग्रेसी है इसलिए इंदिरा गांधी को भी गाली हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू इतना दिन से कोई खराब नहीं था लेकिन वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस के बारे में बोलते थे, उन्होंने जो भी काम किया सब खराब है। डिमांड बताइए, डिमांड क्या है? डिमांड तो मेरी ये है कि उनकी स्मृति में अमृत वर्ष के उपलक्ष में स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में कम से कम उनका स्मारक तो बनना चाहिए कि लोग अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे अपने प्रेरणा ले सके। आप बताइए सर। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को पेंशन मिलना चाहिए, एक सूत्री डिमांड हम लोग का मेन है, पेंशन मिलना चाहिए। अगर जो लोग पेंशन नहीं लेना चाहे, जैसे राजकुमारी जी बोली है कि हमको नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। मेरी मांग थी जैसे ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक में स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित किया जाए, एक मतलब स्तंभ बनाकर, कम से कम उसमें भी है कि जो बहुत हाँ कि इसमें अरे और कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ सम्मान दे और जो भी मतलब अभी स्वतंत्रता सेनानी जिंदा है उनकी सुध ले सरकार, और उनके बहुत से उत्तराधिकारी हैं जो कि बहुत अभी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, उन लोगों की सुध लेकर, कोई ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा नहीं है, फिर होने वाला भी नहीं है,
इसलिए सरकार अगर चाह दे तो ये तो जरूर कर सकती है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज अपनी दर्द बयां कर रहे हैं और किस तरह से सरकारी नीतियों के कारण सरकार की नीतियां उन्हें उपेक्षित कर रही है। सरकार को चाहिए कि उन्हें सम्मान दे, उनकी मांगे जो है उन्हें पूरा करे, जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार करे, सरल कानून बनाए ताकि उनके वंशजों के यानी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के उत्तराधिकारियों को योजनाओं का लाभ मिल सके और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। थैंक यू। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।